गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको सिर्फ मैं कुछ टर्म्स बता रही हूँ जिसके बेसिस पे आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो वही टर्म्स आपको पहले समझनी है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो था प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर पे किस तरह से लाइट रिफ्लैक्ट हो रही है, और पॉलिश प्लेन मिरर है, और किस तरह से उसमें हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और लार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आपको मैंने करना बताया था। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स। याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था, एक प्लेन मिरर होता है, उस पर एक लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लैक्ट करती है, ठीक है? क्या करती है? रिफ्लैक्ट करती है। लेकिन अगर नॉर्मल पर आए, ठीक है, कौन लाइट, तो वो नॉर्मल से ही क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है? कोई एंगल की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता। अगर लाइट ऑफ रेज पैरेलल आ रही है तो वो उसी पाथ से वापस नहीं जाती। वही चीज हमें यहाँ पढ़नी है। देखिए प्लेन मिरर, अगर पैरेलल लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन एज अ पैरेलल। ये देखिए प्लेन मिरर में पैरेलल लाइन आई और वो वापस इसी से चली गई, जिसकी वजह से कोई एंगल यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्व सरफेस की या स्फेरिकल मिरर्स की, तब वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ठीक है? सबको पता है दैट इज द, कौन सा लेंस है ये, कौन सा मिरर है, सॉरी ये कौन सा मिरर है, जहां पर ये कर्व स्ट्रक्चर आ रहा है तो कौन के, और जहां पर उभरा हुआ स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज कॉनवेक्स। देखिए ये कौन सा मिरर है, कौन के, ये कॉनवेक्स। तो हमने देखा जब एक कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट आती है तो वो एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं कन्वर्स, ठीक है? और अगर मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो जब पैरेलल रेज आती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी लाइन। देखो ये रिफ्लेक्शन के बाद ही है, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव, ये कॉनवेक्स, ठीक है? देखो कॉनकेव पर जब पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कन्वर्स। जब हम कॉनवेक्स की बात करते हैं, उस पर पैरेलल लाइट आती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। देखो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो कभी भी इस साइड नहीं मिलती, तो उनको हम इधर इस साइड मिलाएंगे तो वो क्या हो रही है, जहां मिल रही है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डाइवर्ज, ठीक है? अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जहां पर कर्व अंदर की तरफ शो हो रहा है दैट इज कॉनकेव, और जहां पर आप ये डैश डैश दिखाएंगे इट मीन्स वो कोटेड पॉलिश पार्ट है, और इधर वाला पार्ट कैसा है, जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सेम कॉन्वेक्स में, अब कॉनकेव वाला पार्ट अंदर की तरफ हो गया और बाहर कैसा है, उभरा हुआ पार्ट है, वो कॉनवेक्स कहलाता है। तो अंदर वाला मिरर क्या है, ये वो पार्ट है जहां पर पॉलिश्ड है, ठीक है, और बाहर वाले पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगी लाइट की। अब बहुत सारी टर्म्स है जो हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप आगे पढ़ाई करोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द एपर्चर ऑफ द मिरर। ध्यान से समझिए, ये मैंने कॉनकेव के लिए बनाया है, ये कॉन्वेक्स के लिए बनाया है। जो कॉनकेव का मिरर है मैंने बताया, उसके इस साइड क्या है, ये देखिए ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरा उसका बैक पार्ट है जहाँ पे पॉलिश्ड है। जब हम उसके बीचों बीच में क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर का ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट का जो सर्किल बन जाएगा, अगर हम सर्किल देखें तो सर्किल जो बन जाएगा, ये जो मिडिल पार्ट है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको सी से डिनोट करते हैं। जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को क्या कर रही है, कट कर रही है, वो क्या कहलाता है, पोल। ये वाला पॉइंट जो है दैट इज पोल, पी से यूज किया है, पोल, ठीक है? देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी और पी, ये जो पार्ट है वो क्या कराएगा, इस सर्किल का रेडियस है ना, इसलिए इसको कहा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर के मिड पार्ट पर पड़ रही है। पोल में आपको बता चुकी हूँ, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को कट करी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब बचा एपरेचर, द एपरेचर ऑफ द मिरर। मिरर का एपरेचर क्या होता है, अगर हम इस पार्ट को रिमूव कर दें, ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द एपरेचर ऑफ मिरर, उसको हम बोलेंगे एपरेचर ऑफ मिरर। सेम कॉन्वेक्स में भी वही चीज है।
देखिए कॉन्वेक्स का ये उभरा वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाला पार्ट कैसा है, जहां पर पॉलिश हुई है, तो इसलिए इसको हमने क्या किया हुआ है, डैश डैश से शो किया है। वही एक लाइन लगाई जिसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस का एक्स वाई, इसके उसके बाहर देखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है, इसके इनर साइड सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है। ये वही पॉल पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके मिरर के पॉइंट को जहां पर टच कर रहा है उसको हम बोलेंगे पॉल पॉइंट। यही उसका रेडियस है सीपी, ठीक है, एंड सेंट्रल ऑफ सॉरी एपरेचर ऑफ द मिरर, ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको अभी हम ये वाला डैश वाला पार्ट रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो क्या है, एपरेचर ऑफ द मिरर। तो ये मेन टर्म्स है जो आपको समझ में आनी चाहिए, उसी के बाद आप आगे कोई भी न्यूमेरिकल है वो आप इजीली कर पाओगे, या फिर जो मैं आपको यहाँ पर रे डायग्राम सिखाऊंगी वो आप समझ पाओगे। थैंक यू क्लास।